हेलो फ्रेंड, मेरा नाम इमरान और आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर आप अपने टेलीमनी एप्लीकेशन का यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों भूल चुके हैं और आप उसमें लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप किस तरह से अपना टेलीमनी एप्लीकेशन का यूज़र नेम और पासवर्ड भूला हुआ जो है उसे किस तरह से चेंज कर सकते हैं और सही तरीके से उसमें लॉगिन भी कर सकते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आने वाला मेरा इस तरह का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे सबसे पहले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले तो आपको अपना टेलीमनी एप्लीकेशन जो है उसको ओपन कर लेना है। इस तरह से मैं ओपन कर रहा हूँ। फिर इस तरह से टेलीमनी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। अगर आपको अपना यूज़र नेम पासवर्ड अगर याद होगा तो आप यहाँ पे अपना यूज़र नेम पासवर्ड डाल के इसमें लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन मैं अपना यूज़र नेम पासवर्ड दोनों भूल चुका हूँ तो उसके लिए मैं यहाँ पे नीचे लिखा हुआ फॉरगेट यूज़र नेम और पासवर्ड इस पर क्लिक कर देना है। इस पर आपको भी क्लिक करना है। इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट आईडी टाइप, तो आपके पास अगर अकामा आईडी है तो यहाँ पे फर्स्ट में क्लिक रहने देना है और नीचे लिखा हुआ है आईडी नंबर, तो यहाँ पे आपको अपना अकामा नंबर डाल देना है। तो यहाँ जैसे कि मैं यहाँ पे अपना अकामा नंबर डाल देता हूँ। अब नीचे लिखा हुआ है फॉरगेट यूज़र आईडी पासवर्ड, तो आपको क्या चेंज करना है यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे दोनों ऑप्शन यहाँ पे है, तो पहले तो मैं पासवर्ड यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे पासवर्ड पे क्लिक कर दूंगा, अगर आपको यूज़र नेम चेंज करना है तो आपको यहाँ पे फर्स्ट वाले पे क्लिक कर देना है यूज़र नेम के ऊपर। तो मुझे पासवर्ड चेंज करना है इसलिए मैं यहाँ पे पासवर्ड पे क्लिक कर दिया हूँ। अब नीचे लिखा हुआ है रिसेट बाय, यहाँ पे लिखा हुआ है टेलीमनी आईडी और नीचे लिखा हुआ है एएनबी एटीएम कार्ड। तो आपके पास क्या है, आप अपना टेलीमनी का जो आईडी है उससे चेंज करना चाहते हैं या फिर आपके पास टेलीमनी का जो एटीएम कार्ड है वो है तो उससे चेंज करना चाहते हैं। तो मेरे पास आईडी का तो पता नहीं है, मेरे पास इसका एटीएम कार्ड है एएनबी का, तो यहाँ पे मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। एटीएम कार्ड है मेरे पास। अब नीचे लिखा गया है एएनबी मादा डेबिट कार्ड नंबर, यहाँ पे आपको अपना डेबिट कार्ड नंबर यहाँ पे डाल देना है। आपके कार्ड के ऊपर नंबर लिखा रहता है, तो यहाँ पे मैं अपना नंबर भी डाल देता हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं अपना कार्ड का जो नंबर यहाँ पे डाल दिया हूँ। अब नीचे लिखा ना है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है एएनबी मादा कार्ड डेबिट कार्ड पिन। आपका जो एटीएम कार्ड का जो पिन होता है यहाँ पे वो पासवर्ड, जैसे आप पैसा निकालते हैं किसी भी एटीएम पे अपना पासवर्ड डाल के, तो वही वाला पासवर्ड आपको यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। और उसके बाद फिर नीचे यहाँ पे लिखा हुआ नेक्स्ट, इस पर क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एकदम जो मैं जो भी चीज़ पर डाला हूँ एकदम करेक्ट है। यहाँ पे आप मेरे मोबाइल नंबर पर एक वेरिफिकेशन कोड आने वाला है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ प्लीज़ इंटर द वेरिफिकेशन कोड सेंड टू योर मोबाइल नंबर। तो आपके जिस नंबर पर वेरिफिकेशन कोड जाने वाला है वो नंबर भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो जैसे कि मेरे को वेरिफिकेशन कोड आ भी गया है, यहाँ पे मैं वो नंबर डाल देता हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर डालने के बाद फिर आपको यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपका जो यूज़र नेम होगा यहाँ पे ऑटोमेटिक वो दिख जाएगा आपको, तो आपको यूज़र नेम चेंज करने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, यहाँ पे आपको यूज़र नेम आपको दिख जाएगा। अब नीचे लिखा आ गया है न्यू पासवर्ड, तो आपको यहाँ पे क्लिक करके आपको जो भी पासवर्ड लगाना चाहते हैं यहाँ पे आपको पासवर्ड लगा देना, लेकिन आपको याद रहे कि आपको यहाँ पे मतलब कैपिटल स्मॉल लेटर और आपको यहाँ पे कोई गिनती विनती वगैरह सबको सब मिक्स करना है और आपको कोई भी स्पेशल कैरेक्टर भी लगा देना, जिस तरह से मैं डाल रहा हूँ इस तरह से आपको भी डाल दूंगा और डाल देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डन हो चुका है, यहाँ पे आपको यहाँ पे सेव कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है योर पासवर्ड इज सक्सेसफुली चेंजेड, यहाँ पे आपको क्लिक हेयर लॉगिन इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका यूज़र नेम जो है यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे लिखे आ जाएगा, तो आपको जो पासवर्ड अभी चेंज किए हैं वही वाला पासवर्ड आपको यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ, फिर आपको दिखा देता हूँ कि ये लॉगिन होता है कि नहीं होता है, क्योंकि आपको प्रूफ भी दिखाना ज़रूरी है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ चूज वेरिफिकेशन मेथड, तो आपको किस टाइप से आपको एसएमएस चाहिए, यहाँ पे दूसरा एक ऑप्शन है ये तो समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है, लेकिन मेरे को एसएमएस चाहिए तो यहाँ पे लिखा हुआ एसएमएस, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो मेरे मोबाइल नंबर पर एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा। ये कोड आ चुका है, यहाँ पे मैं कोड डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कन्फर्म कर देना है। अब आप देख सकते हैं ये एप्लीकेशन पूरी तरह से लॉगिन हो चुकी है।